जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सब कैसे हो, स्वस्थ और मस्त जरूर होंगे। मैं दिलीप अपने यादव दिलीप ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग पीछे का बैकग्राउंड देख के ही पता कर लिए होंगे कि मैं इस साइड या इस टाइम 9 बज गया लगभग, तो मैं कहां पर हूं आप लोग पता कर सकते हैं। तो मैं इस समय अपने उसी पुरानी जगह पर हूँ जहाँ से मैंने ज़्यादातर वीडियो यहीं पर बनाई हुई है। और मैं अभी दिखा भी सकता हूँ, अभी मिलाता हूँ उस मूल मास्टर जी से, जो मास्टर जी हमारे साथ यहाँ मिला करते थे। बहुत दिन के बाद आया हूँ जैसे ही वीडियो शूट करने यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम वीडियो में, आप लोगों को जानकारी मास्टर जी कुछ बताएंगे और उसको ही फिर हम बताएंगे आपको कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो ये जानकारी हम आप लोगों को बताएंगे और हमसे पहले सरप्राइज है कि वो चीज़ मास्टर जी बताएंगे, अपने मुँह से बताएंगे तो अच्छी बात है। तो चलते हैं, अभी फिलहाल तो देखिए वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। वो देखिए वहाँ पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं ना, वहाँ पर पल्ले खोल रहे हैं। अभी चल के मैं आप लोगों से उनसे भी मिलवाता हूँ और देर किस बात की, चलते हैं। मशीनें तो वैसे सारी चल रही, एक मशीन कोई बोल रही है जो मेरे को पता नहीं लगा, पता लग गया कौन सी बोल रही है। मैंने उसको देख भी लिया है। और सिंगल रॉबिन सिंगल पीस आया है तो मेरे को यहाँ का नहीं पता था, अभी बहुत दिन के बाद आया हूँ। तो इसको मैं गेड़ा दे दिया, चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को लगता है मिल लिया, आप चेक कर रहे हो? हाँ नहीं, कमला चेक कर रहा हूँ, हमारा पानी मेरा खुला रहेगा। तो भाई जिस मास्टर जी से मैंने आपको मिलवाना चाहा था वो मास्टर जी यही हैं। और हाथ तो मिला लीजिए, मिलाया नहीं अभी तक, आया था ना, हाथ नहीं मिलाया था इनसे। हाथ क्या मिलाया, हाथ में औजार कह रहे हैं अभी मेरा हाथ बिजी है यार। ऐसे ऐसे मास्टर होते, कहते हैं कभी मेरा टांग बिजी है, कभी कहते मेरा हाथ बिजी, कभी कहते मैं पूरा मैं ही बिजी हूँ। बिजी रहना पड़ता है यार ऐसा टाइम में। अब देखो ड्यूटी का टाइम ऑफ होने वाला है, मेरी गलती थोड़ी है इसमें। आप लोग बताइए मेरी गलती, मैं आप लोगों से बोला हूँ जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आप लोगों से भी, आप लोगों को भी वीडियो बना के दूंगा और उसकी जानकारी भी दूंगा। मशीन कौन सी बोल रही है? अच्छा लाइट गई हुई तो इस करके वो बोल रहा है ना यूपीएस। तो ये बताइए आज कुछ ऐसी चीज़ बताते हैं जो कि इन लोगों को ऐसे ही मुँह से ही बताते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मशीन में भी बता देंगे। बताने की वैसे तो मशीन में जरूरत नहीं होगी, ऐसे वैसे चलिए बता देंगे, कोई बात नहीं है। कोई सारी चीज़ रह गया जो बताने? और बताओ बच्चे कैसे हैं? बच्चे सब ठीक हैं। तो नाइट तो दबा के लगा लिए, डे लगा नहीं यार, कल छुट्टी मारा था मैंने। अच्छा कल तबीयत सही नहीं लग रहा था, जगरनाव भी हो गया था। और ये भी बात है यार, आँखें भी लाल हो जाती हैं। नहीं ना, आँख तो लाल तो खैर होवे नहीं करता है, 2 दिन जगरनाव हो गया था, काम बहुत ज़्यादा था। अच्छा, हद से भी ज़्यादा काम था, सल परेशानी ढेर हो गया, इसलिए कल छुट्टी। उसकी बिक्की की हाल है? बिक्की का भी हाल ख़राब है, इसका भी परिवार को डिलीवरी परसेंट होने वाला है, इसने भी 2 दिन छुट्टी मारा, सारा काम मेरे ऊपर पड़ गया, पहले दिन भी लगाना पड़ गया। अब दिन रात लगाओगे समझो ना थकान कितना होता है। काम भी चल रहा है? हैं, काम भी चल रहा है, काम भी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं उस जानकारी की तरफ है। हालचाल तो हो ही गई है, आप लोगों के सामने ही हालचाल हुई है। तो अभी बताइए आप क्या बताना चाहते थे, अगर याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं, अगर अभी याद नहीं है वो चीज़ है, ठीक है मैं बता देना चाहता हूँ। मेरे को आते ही इन्होंने पूछा था कैन डिस्पैच ऐसे क्या है, कैन डिस्पैच बोलते हैं उसको। हाँ डिस्पैच, अभी याद है मैं ही बोल रहा कि डिस्पैच CAN फिर थोड़ा सा करके टी देता है। हाँ, तो ये क्या होता है, इनके पास आ गया था ना आपके पास? हाँ, डिजाइन फुल हो जाता है। तो उसमें होता क्या है कि जो अपनी डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले में जो भी मेमोरी लगी होती है या जो जिसको भी बोल लेते हैं, जितनी कैपेसिटी होती है उस कैपेसिटी के बाद जितनी डिजाइन ज़्यादा हो जाती है ना, तो पहले तो उन्होंने डिजाइन को हाइड करते जाना, हाइड करते जाना, हाइड करते जाना, हाइड करते हैं।
देखें कि नहीं डिजाइन मिलता नहीं है बाद में, मिलता नहीं वो, है। जब ओवरहेड कराते तो तब आता है, तब आता है। तो जब तक हाइड कर रहा है डिजाइन तब तक वो समझिए कि एक्सेप्ट कर रहा है, जब हाइड के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करता यानी पूरी तरह से स्पेस फुल हो जाता है, स्पेस रह नहीं जाता है, तो वहाँ पर लिख देता है कैन डिस्पैच, कैन डिस्पैच। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो फाइल है वो भर चुकी है या जो जितनी स्पेस है वो भर चुकी है, तो उसमें से क्या करते हैं डिजाइन को डिलीट करते हैं। तो डिजाइन को डिलीट करने के लिए ऑप्शन भी आता है, डिजाइन जहाँ से हम डिजाइन लोड कराते हैं वहीं से डिजाइन डिलीट कराते हैं, कहीं पर 4 नंबर पे दिया होता है तो कहीं पर 5 नंबर पे दिया होता है। अगर कोई मशीन अगर फिलहाल इस समय चलती है तो मैं दिखा सकता हूँ किस पर दिया किस पर नहीं दिया है। आओ दिखाते हैं। तो चलिए बैक कैमरा से दिखाते हैं, जब डिजाइन भर जाती है या डिजाइन जब यहाँ पर 3 नंबर नहीं दिया भाई, भाई 4 नंबर पर होगा, 4 नंबर पे दिखा रहा। चलिए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये पहले एडजस्ट में गए, ठीक है, एक मिनट। तो चलिए दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं, जो जहाँ पर चलता है वहाँ पर इनको हम आज बताते हैं और आज इन्हीं से जानते हैं, इनको भी पहचान लीजिए। थोड़ी सी काला दिखेगा क्योंकि लाइट नहीं है, वैसे हम कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए भाई शुरू करिए, कहाँ से क्या है ये आपने एडजस्ट हो गया, ये ESC। चलिए ये तो डिलीट करने वाला है, इंटर किए से ये एंटर नहीं करते, इसको प्रेस करते हैं। हाँ प्रेस हो गया। हाँ फिर प्रेस करने के बाद फिर आईएस पे फिर प्रेस किए, 3 नंबर पे पैटर्न मैनेजर पे, पैटर्न यानी 3 नंबर के ऑप्शन पे आते हैं पैटर्न मैनेजर पे। इसके बाद इसको एंटर किए, यहाँ से एंटर करिए, एंटर वाली के को प्रेस किए। इसके बाद ये ऐसे यहाँ से भी आ गया 4 नंबर, 4 नंबर पे, ये देखिए पैटर्न डिलीट। अब इसके बाद कहाँ चलेंगे ये, इसको फिर ओके एंटर करना है, एंटर करिए, ये इंटर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड सभी लोगों को पता है, वैसे भी पासवर्ड में 8 8 8 है ये ना, ये पासवर्ड डाल दिए। हाँ इसके बाद ओके करिए। अब इसमें से जो भी डिजाइन A to Z जो भी डिजाइन डिलीट कराना है, एक मिनट जो भी कराना है करा सकते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं एक नंबर पे, डिजाइन हम कर देते हैं कोई बात नहीं, एक डिजाइन कर देते हैं एक मिनट एक नंबर पे चलिए, एक नंबर पे आए, एक नंबर के बाद अब इसमें देख लेते कितनी डिजाइन है। तो चलिए 120 डिजाइन है यहाँ पे, देखो वहाँ तो दिखा रहा है कि हमारी फाइल में 120 डिजाइन है, पर हम इसको चेक करना चाहते तो यहाँ से भी आके चेक कर लेते हैं कि हमारी 120 डिजाइन यहाँ देखिए है। अब उसकी मेमोरी की कैपेसिटी ही है इतनी, ठीक है, बहुत छोटी कैपेसिटी दे देता है इस समय, अब तो बड़ी बड़ी देने लगा है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि चलिए वापस आते हैं उसी जगह पर जहाँ पर थे। तो अब हमें क्या करना है कि अगर कोई डिजाइन डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करते हैं, और यहाँ डिलीट करने का ऑप्शन दिया इन क्योर फाइल एरर, ये दिया ना, इसको रिजर्व भी पढ़ते हैं। मैं एक डिजाइन डिलीट करता हूं, तो अब एक डिजाइन आपको डिलीट करके दिखा देते हैं कैसे डिलीट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लो 9 नंबर का एट डिलीट करना है, हाँ इसको डिलीट करना है, तो अब आप कैसे क्या करेंगे, ये 9 नंबर में इसको एंटर करेंगे, उस पर आने के बाद एंटर करेंगे, एंटर के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा डिलीट पैटर्न जो नाम है वो आ जाएगा, फिर इसको दोबारा एंटर कर देंगे तो ये डिजाइन यहाँ से देखिए वो डिलीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से डिजाइन डिलीट हो चुका है, अब उस 9 की जगह कोई और दूसरा उसी का मतलब टेप आ गया है। तो ऐसे होता है ये डिजाइन को डिलीट करने का तरीका। और एक तरीका और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसको काट के बाहर निकल जाइए। अब सबसे पहले अब हमने क्या करना है कि पहले हम यहाँ से आते थे, अब हमने डायरेक्ट आ जाना है यहाँ पर, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम डायरेक्ट ये जो फाइल देख रहे हैं ना, इस फाइल को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद वही 4 नंबर पर आ जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है पैटर्न डिलीट, पैटर्न डिलीट के बाद आ जाएंगे, फिर से हम इसको एंटर करेंगे, ये वाली बटन एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई कि इनपुट पासवर्ड, इनपुट पासवर्ड में हमने पासवर्ड इसका डाल दिया है, ये पासवर्ड यहाँ से हमने जितना पासवर्ड था उतना डाल दिया है, डाल के एंटर कर दिया, एंटर करेंगे तो ये सारी डिजाइनें देखिए यहाँ से खुल गई। तो दो तीन तरीके से खोल सकते हैं इसको, एक तो खोल देंगे हम क्या करते हैं कि अभी यहाँ पर जाते हैं, देखिए यहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ से आने के बाद फाइल मैनेजर,
पैटर्न मैनेजर पे, सॉरी दोस्तों पैटर्न मैनेजर पे आएंगे। पैटर्न मैनेजर तो तीन नंबर पे, तो डायरेक्ट यहाँ से तीन दबाएंगे, तीन नंबर पे आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको इंटर करेंगे, फिर इसके बाद आएंगे चार नंबर पे, जो यहाँ पर दिखा रहा पैटर्न डिलीट, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट चार नंबर प्रेस करेंगे तो चार नंबर पे आ जाएगा। यहाँ से इंटर करेंगे तो फिर से वही पासवर्ड मांगेगा। एक तो ये तरीका है, और एक दूसरा तरीका मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता देता हूँ। सबसे पहले ये फाइल वाला देख रहे हैं ना, फाइल को प्रेस करेंगे, डायरेक्ट चार नंबर पे आइए। यहाँ से देखिए चार नंबर पर आ गए, चार नंबर के बाद यहाँ से एंटर करिए, फिर से पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड जो सबको पता होता है, आप अपना पासवर्ड लगा लीजिए, लगा के ओके करिए, डिजाइन का ऑप्शन खुल गया। जो जो डिजाइन डिलीट करना चाहते हैं उसको उस पर आके ऐसे हाथ से आइए या जैसे मर्जी जाइए, अपना डिजाइन डिलीट करते रहिए। तो ये है प्रोसेस, अगर ऐसा कुछ है तो घबराने की बात नहीं है। और मैं एक यूनिक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पर भाई, इसका मतलब बता सकते हो? ये जो लगाए हो पेपर, सिंकर बंद नहीं करना, एस ए क्या लिखा हुआ सबसे ऊपर, एस के सेम क्या लिखा हुआ है, यानी ये मेरे को यही समझ में आ गया कि ये सिंकर का लिखा हुआ है कि जो सिंकर है उसका क्या नंबर चलेगा। तो वो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है, और वो यहाँ पर लिख दिया गया जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए 80 80 80 80, यहाँ पर चार बार 80 है, यही ना, चार बार 80 है और चार बार 450 है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख के इन्होंने रख दिया, और जो कि अच्छी बात है। ये देखिए लेफ्ट का सिंकर और राइट का सिंकर ये है। और इसमें भी मैं आप लोगों को एक क्लियर चीज़ बताऊंगा, बड़ी वीडियो इसकी अलग से बनाऊंगा। यहाँ तो लिखा हुआ था तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया ये निकल के कहाँ से आता है। तो चलिए हम ये करते हैं कि दोबारा इसको हम बता देते हैं, ये जो चीज़ यहाँ पर लिखा है ये कहाँ से निकल के आता। तो हमने इसको ये बीच वाली देख रहे हैं ना, डबल डबल, ये देखिए ये वाली, ये इसको प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से सिंकर मोटर सेटअप आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जानकारी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।